नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आ गए, नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी घटना के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिसे आप सुनकर डरने के साथ साथ रोमांचित भी हो उठेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये घटना है अमेरिका के एक लोवा नामक इलाके की। एक ऐसा परिवार जो उस इलाके में सबसे समृद्ध परिवारों में से एक माना जाता था। इस परिवार में एक आदमी अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रहता था। दोस्तों ये बात है 9 जुलाई 1912 की रात की। पूरा परिवार अपने बच्चों के साथ चर्च में चिल्ड्रंस डे मनाने गया हुआ था, तो उनकी पत्नी मूरे ने अपनी दो सहेलियों को अपने घर में रात में रुकने के लिए आमंत्रित किया। उनकी पत्नी की बात मानकर उनकी दोनों सहेलियां अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पर रात में ठहरने के लिए आ गईं। सुबह के 7 बज चुके थे लेकिन कोई चहल पहल घर के बाहर दिखाई नहीं दे रही थी। तो मूरे की पड़ोसी मैरी नामक एक औरत ने देखा कि सुबह के 7 बज चुके हैं लेकिन उनके घर से कोई बाहर ही नहीं आया। तो मैरी ने दरवाजे पर जाकर खटखटाया लेकिन अचम्मा वहाँ पर दरवाजे पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई और न ही किसी ने दरवाजा खोला। उसके बाद मैरी ने मूरे के भाई जो उसके पास में रहता था रॉस को बुलाया कि घर से बाहर कोई आ ही नहीं रहा है और न ही दरवाजा खोलने की कोई प्रतिक्रिया वहाँ पे हो रही है। मैरी की बात सुनकर रॉस जल्दी से अपनी बहन के यहाँ पर गया। रॉस ने दरवाजा जोर जोर से पीटा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और न किसी ने दरवाजा खोला। रॉस के पास उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी। उसने उस चाबी से उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलने के बाद रॉस तो उस घर के अंदर चला गया लेकिन मैरी बाहर खड़ी रही। रॉस ने अंदर जाकर बरामदे में देखा कि उसकी बहन की दोनों सहेलियाँ खून से लथपथ पड़ी हैं। उसने तुरंत ही वहाँ के एक ऑफिसर होंग को कॉल करके बुलाया। ऑफिसर को घटना की जानकारी मिली तो वह तुरंत ही वहाँ पहुँच गया। ऑफिसर ने पाया कि पूरे घर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी को भी गेस्ट रूम से बरामद कर लिया गया था। डॉक्टरी जांच से पता चला कि हत्या आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच में की गई थी। घर में सिगरेट के 2 टुकड़े भी मिले थे जिनसे पता चलता था कि हत्यारा पहले से ही घर में छुपकर बैठा था और पूरे परिवार के घर में आने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद हत्यारे ने सबसे पहले घर के मालिक को मारा और उसने उसको इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसकी आंखें तक बाहर आ गई थी। घर के मालिक की हत्या करने के बाद उस हत्यारे ने उनकी पत्नी मूरे को भी मार डाला था। पत्नी को मारने के बाद हत्यारा बच्चों के रूम की तरफ बढ़ता है और बच्चों को भी बहुत बुरी तरह से काट कर मार देता है। बच्चों की हत्या करने के बाद हत्यारा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है जहां पर मूरे की दोनों सहेलियां सोई हुई होती हैं। मूरे की एक सहेली तो नींद में मारी जाती है लेकिन दूसरी सहेली लीना ने बहुत संघर्ष किया था। उसके घावों को देखकर लगता था कि मरने से पहले उसने बहुत संघर्ष किया। मामले की जाँच की गयी और बहुत सारे लोगों को शक के घेरे में लाया गया और उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शक के दायरे के अंतर्गत एक मंत्री को भी पकड़ा गया जिसको लड़कियों को करके मारने के लिए जाना जाता था। मंत्री को शक के घेरे में पकड़ा गया था क्योंकि चिल्ड्रंस डे पर पूरे परिवार के साथ उसको देखा भी गया था लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण उसको छोड़ दिया गया था। एक प्रमुख हत्यारा भी था जिसका नाम हेनरी था। उसको भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसके हत्या करने का अंदाज वैसा ही था जैसा कि मूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। बहुत पूछताछ करने के बाद हेनरी ने कबूल किया कि उसने बाकी परिवारों की हत्या तो की थी लेकिन उसने मूरे परिवार की हत्या नहीं की है। उसको छोड़ दिया गया क्योंकि कोई सबूत उनके हाथ नहीं लग पाए थे। सबूतों के अभाव में कुछ सालों के बाद मूरे परिवार की फाइल को बंद कर दिया गया। इस हत्याकांड की 100 साल बाद भी मूरे परिवार की हत्या चर्चा में रही है। इंटरनेट पर इस हाउस को इतना फेमस किया गया है कि इस घर को एक मर्डर हाउस कहकर भूतिया घर ठहरा दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ऐसी रोमांचित जगह पसंद है तो आप उस जगह पर जा सकते हैं और एक रात के लिए पैसे देकर उस मूरे गेस्ट हाउस में रहकर बिता सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये रहस्यमय घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।